चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के उन्नाव जिले से है, जहां एक बार फिर स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई। उन्नाव की विकास खंड बिछिया के पडरी कला स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में डॉक्टर की अनुपस्थिति में एक लैब अटेंडेंट डॉक्टर की सीट पर बैठकर ओपीडी करता नजर आ रहा है। मरीजों की शिकायत है कि डॉक्टर्स अक्सर स्वास्थ्य केंद्र से नदारद रहते हैं, ऐसे में मरीजों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। वही मामले में उन्नाव सीएमओ सत्यप्रकाश ने लैब अटेंडेंट अंबुज कुमार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। तो देखिए किस तरह से यहां पर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जनता की। और ये खबर यूपी के उन्नाव जिले की है, जहां पर एक बार फिर स्वास्थ्य केंद्र में एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। उन्नाव की विकासखंड बिछिया के पडरी कला स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से डॉक्टर की अनुपस्थिति में एक लैब अटेंडेंट डॉक्टर की सीट पर बैठकर ओपीडी करता नजर आ रहा है। मरीजों की शिकायत है कि डॉक्टर्स अक्सर स्वास्थ्य केंद्र से नदारद रहते हैं, ऐसे में मरीजों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। वही मामले में उन्नाव सीएमओ सत्यप्रकाश ने लैब अटेंडेंट अंबुज कुमार के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है। अरे वो पीली दवा खत्म हो गई है, जो पीली दवाई देती होगी। मतलब ये भी देती थी किसी में? हाँ, ये उसमें लिखी हुई है बी कॉम्प्लेक्स और ये टेट्रासेट। आप तो यहाँ पे दवा दे रहे हैं? हाँ, तो दवा मैंने डिप्लोमा फार्मेसी भी किया हुआ है। अच्छा, डिप्लोमा किए हैं लेकिन नौकरी नहीं लगी है। लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा कुछ नहीं नाम। आप किस पद पे यहाँ पे नियुक्त हैं? कोई पद नहीं मेरा। आप यहाँ पे ओपीडी कर रहे थे, उसके बारे में बताना चाहेंगे कुछ? ओपीडी हम नहीं कर रहे हैं, पुराने पेशेंट हम देख रहे थे बस। पुराने जो पेशेंट आ रहे हैं उनका रजिस्टर में नाम देख के उनको दवा दे रहे थे। डॉक्टर की सीट पर बैठ के आप ओपीडी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? डॉक्टर की सीट खाली पड़ी तो मैं बैठ गया उसमें। तो देखा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लैब अटेंडेंट डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर उजागर हुई है। इसके बाद अब सीएमओ ने सत्यप्रकाश सीएमओ ने लैब अटेंडेंट अनुज कुमार के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर कब गंभीरता बरती जाएगी और इस पर कड़े एक्शन लिए जाएंगे। हालांकि ग्रामीणों का यह भी कहना है कि डॉक्टर है वो हमेशा नदारद रहते हैं, जिसके चलते लैब अटेंडेंट अब ये जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं और एक स्वास्थ्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा खिलवाड़ होता दिखाई दे रहा है।